सज्जन नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, अब आप लोग शांत होके अपने जनप्रिय प्रत्याशी आदरणीय राहुल गांधी जी को सुने। आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, केसी वेणुगोपाल जी, अविनाश पांडे जी, भूपेश बघेल जी, विक्रम सिंह जी, राहुल लोधी जी, वीरेंद्र यादव जी, परमिंदर पाल गुलाटी जी, अजीत सिंह जी, स्टेज पे वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के हमारे सब कार्यकर्ता, बब्बर शेर, टाइगर, मूड आपने बना दिया आज मेरा। और गाना भी बहुत अच्छा है और रायबरेली के लोग डांस भी बड़ा बढ़िया करते हैं। तो प्यारे कार्यकर्ता और प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। और जो युवा यहां दिख रहे हैं, बच्चे जो दिख रहे हैं, आपका भी यहां स्वागत, नमस्कार। गर्मी में आप आए, मेरी बात सुनने आए, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। देखिए, रायबरेली का और मेरे परिवार का शायद हिंदुस्तान में सबसे पुराना रिश्ता है। शायद ऐसा कोई और परिवार नहीं है जिसका 100 साल का रिश्ता जैसे हमारा है। यहां पहले जवाहरलाल नेहरू मेरे परदादा आए थे, किसानों का आंदोलन हुआ, किसानों पर गोली चली थी, और मैं कह सकता हूं कि जवाहरलाल नेहरू को राजनीति करनी रायबरेली के किसानों ने, रायबरेली के लोगों ने सिखाया था। और ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति को रायबरेली ने राजनीति सिखाई, वो देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने देश की नींव रखी थी। तो एक प्रकार से रायबरेली ने हिंदुस्तान का जो राजनीतिक फाउंडेशन है, जो नींव है, रायबरेली के किसानों ने, रायबरेली के मजदूरों ने, रायबरेली के युवाओं ने रखा था। उसके बाद यहां इंदिरा गांधी जी आई, बैंक नेशनलाइजेशन हुआ, हरी क्रांति हुई, उसमें भी आपकी देन थी। और फिर सोनिया गांधी जी आई और अब मैं यहां आया हूं। और देखिए, राजनीतिक रिश्ता एक होता है, मगर पारिवारिक मोहब्बत का रिश्ता भी दूसरा होता है। और मैंने 4000 किलोमीटर कर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली और मोहब्बत की दुकान छोड़ो, आपने यहां मोहब्बत का मॉल खोल दिया है, सुपरमार्केट खोल दी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपकी सेवा के लिए यहां आया हूं। आपके दिल में जो है, आपके जो सपने हैं, उनके लिए आपके साथ लड़ने आया हूं। और आपने इतने प्यार से, मोहब्बत से मेरा स्वागत किया है, तो इसका धन्यवाद करता हूं आपसे। देखिए, रायबरेली में हमने काफी काम किया। मीडिया के दोस्त, मैंने मीडिया को दोस्त कहा, दो तीन यहां हैं हमारे मीडिया के मित्र हैं, मुस्कुरा रहे हैं, चेहरे दिख रहे हैं, मगर सच बताऊं तो ये हमारे दोस्त नहीं है, आपके दोस्त नहीं है, किसानों के दोस्त नहीं है, अदानी के दोस्त हैं।
ये जो है, ये जो स्ट्रिंगर है, जो ये कैमरामैन है, ये बेचारे, इनकी गलती नहीं है। इनको सैलरी लेनी है, बच्चों को पालना है, तो इनकी गलती नहीं है। मगर जो बड़े मालिक हैं इनके, बड़े बड़े मैनेजमेंट के लोग हैं, बड़े एंकर्स हैं, वो तो अदानी जी के हैं, आपके हैं ही नहीं, हमारे हैं ही नहीं। हाँ, वो 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखाएंगे। कभी आपने मीडिया में किसान देखा है? टीवी पे कभी किसान को देखा, मजदूर को देखा? ये जो यहां बेरोजगार युवा है, उनको देखा कभी टीवी पे? टीवी देखो तो ऐसा लगता है भैया हिंदुस्तान में तो गरीबी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है, कुछ नहीं है। और सड़कों में जाओ, सबसे बड़े मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, भागीदारी। रायबरेली अमेठी में काफी काम किया, रायबरेली में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया, लालगंज रेल कोच फैक्ट्री दी, एनटीपीसी थर्मल पावर स्टेशन, एम्स जिसको बीजेपी ने बंद कर रखा है, स्टॉल कर रखा है, स्पाइस पार्क जो बीजेपी ने बनने नहीं दिया, शारदा कनाल, गंगा ब्रिज, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी, निफ्ट फुटवेयर डिजाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। और जब यूपीए की सरकार थी, अमेठी और रायबरेली में हाईवे के जाल बिछा दिए थे हमने, अमेठी को, रायबरेली को बाकी हिंदुस्तान से जोड़ा, और पूरे रायबरेली अमेठी का जबरदस्त फायदा हुआ। मगर मीडिया वाले ये बात नहीं कहेंगे, मीडिया वाले आपको अदानी अंबानी की शादी दिखाएंगे। देखिए आपने अंबानी की शादी, देखिए 10 करोड़ रुपए की घड़ी, करोड़ों रुपए के लहंगे, दुनिया के सारे फिल्म स्टार, नाच गाना डांस, रायबरेली वाला डांस नहीं, हाँ वो पैसे से खरीदा वाला डांस, बात सही की आपने। तो मीडिया वाले नरेंद्र मोदी का चेहरा, अदानी का चेहरा, अंबानी का चेहरा। अब आप पूछोगे भाई ये हो क्या रहा है? मैं आपको बताता हूं, अदानी का, अंबानी का, ऐसे 20 अरब पतियों का नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। आप जानते हो 16 लाख करोड़ रुपए कितना होता है? कोई नहीं जानता, आम आदमी नहीं जान सकता। मैं बता देता हूं आपको, अगर आप 24 साल का मनरेगा का पैसा इकट्ठा करो, वो 16 लाख करोड़ रुपए है। नरेंद्र मोदी जी ने 24 साल का मनरेगा का पैसा 22 लोगों को दिया है। हालत यह है कि 22 लोगों के पास उतना धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के हाथ में है। स्टेज पे यहां पे 22 लोग बैठे हैं, हिंदुस्तान में 22 लोग हैं जो हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों जितना धन रखते हैं, और उनका कर्जा माफ हो रहा है। वो टीवी चलाते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी को टीवी पे लाते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री की सैलरी क्या है जानते हो? प्रधानमंत्री का कितना है भाई? प्रधानमंत्री की सैलरी कितनी है? हाँ, 2.5 लाख होती है। मुझे एक बात बताओ, ये 2.5 लाख रुपए की सैलरी है तो ये हर रोज लाख रुपए का सूट कैसे पहनता है? ये दिन में 3 बार सूट बदलते हैं। एक सूट की कीमत 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए। दिन में 3 पहनते हैं, महीने में 90 हो गए, 1.5 लाख रुपए की सैलरी है तो ये इनके लिए सूट कौन खरीद रहा है, बूट कौन खरीद रहा है, कहां से आ रहा है? ये मीडिया कभी नहीं पूछेगी, कभी नहीं पूछेगी, कहेगी राहुल गांधी सफेद टी शर्ट क्यों पहन रहा है, 4,000 किलोमीटर की यात्रा की और रास्ते पे मैंने किसानों से पूछा, युवाओं से पूछा,
आप क्या चाहते हो और हिंदुस्तान के सामने क्या समस्याएं हैं, क्या मुश्किलें हैं। तीन जवाब मिले। युवाओं ने कहा बेरोजगारी,